हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट ज्वाइन करिए, फटाफट ज्वाइन करिए सेशन को, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज हम नया चैप्टर डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन शुरू करने वाले हैं, डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन करिए, आस्क योर फ्रेंड टू कम इन द क्लास। हेलो दुष्यंत, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन करिए, फटाफट। एवरीवन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑल ऑफ यू नो दैट। सारे एग्जाम में, चाहे वो AEN, JEN, GATE, ESC, IAS, IFS, किसी का भी हो, जो है वो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है। गुड इवनिंग दुष्यंत, ट्रेवल ट्यूब, अमन, अंकित, अक्षय, गुड इवनिंग। FM की क्लास कब शुरू होगी? यार, इसके लिए हम लोगों ने इसी चैनल पे एक वीडियो बना रखा है कि हर महीने का शेड्यूल क्या होगा, वो हम वहां पे डिस्कस किए हुए हैं। आप उस वीडियो को एक बार देखिए, ट्रेवल ट्यूब, आपको सारा पता लग जाएगा। ठीक है। हेलो विशाल, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन करिए। आस्क योर फ्रेंड टू कम इन द क्लास, ताकि सेशन का सबको फायदा मिले। ओके, हेलो विक्कू यादव, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक, जो आपको कोई करवाया गया उसमें किसी को भी, और आप लोगों को मैं आपको पहले अनाउंस कर चुका हूँ मैं, कि स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो है, DSS के जो क्वेश्चन है, वो हम लोग अनअकेडमी स्पेशल क्लास पे करेंगे, अनअकेडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो अनअकेडमी स्पेशल क्लास होता है, एवरीडे 4 PM से लेके 5 PM को होता है, 4 PM से 5 PM को होता है। ठीक है ना, एवरीडे, मंडे टू सैटरडे ये क्लास रहता है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टील के। तो जो लोग इस क्लास में से वहाँ पे प्रेजेंट है, उन सबको पता है कि भी वहाँ पे प्रॉपर इंटरेक्शन हो पाता है, ताकि हम लोग जो चीजें सीखना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है, वो सारा हम वहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको डेली, सब लोगों को जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, उन सबको ये क्लास अटेंड करना असेंशियल है, ताकि जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसका उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एक अनाउंसमेंट और है। कल जो है आफ्टरनून 12 बजे से 3 PM तक डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर बाय स्टील, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर पे क्लास होगा। तो मैं चाहता हूँ इस क्लास को आप टाइमली शुरू करें, 12 बजे एग्जिट आप सब लोग टाइम पे आ जाएं, ताकि हम लोग इसको सीख सकें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच क्लास, जहाँ पे आपको हर एक चीज जो है बताई जाएगी, कि कोई चीज किस, अगर कुछ लिखा है, लेमडा अगर लिखा है, इफेक्टिव लेंथ अगर लिखा है, तो ये होता क्या है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को हर बार बोल दिया जाता है रोलर सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट स्ट्रक्चर में कहाँ लगा होता है, हमने आज तक रोलर सपोर्ट नहीं देखा। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ब्रिज के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ। आप हर बार पिन जॉइंट को लेके बात करते हो, RCC में भी और स्टील में भी, मुझे एक भी ऐसा पिन जॉइंट वाला एग्जाम्पल बताओ RCC में, जो बिल्डिंग में लगा हो, जो पिन जॉइंटेड हो, सिंपली सपोर्टेड और पिन जॉइंटेड हो, एक भी एग्जाम्पल ऐसा बताओ। सो द होल थिंग्स जो रियल में एग्जिस्टेंस में, जो क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारे पास पूछे जाते हैं, जो डिस्कस किए जाते हैं, इन सब का डिस्कशन होगा विद प्रॉपर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, और वो चीजें भी डिस्कस होगी जो फर्दर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो आई विल ट्राई टू कवर
इन रियल सेंस, प्रैक्टिकल सेंस इस टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ इस टॉपिक के अंदर सब स्टूडेंट रहेंगे, जो प्लस वाले हैं वो भी रहेंगे, और जो आप लोग हैं वो भी रहोगे, और जो स्पेशल स्टूडेंट हैं वो भी आएंगे, एवरीवन। सो रेफर योर फ्रेंड कि आप सारे अपने दोस्तों को बोलिएगा इस क्लास को अटेंड करें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द क्लास टाइमिंग इज 12 to 3 PM कल, ठीक है? तो ये आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है? चलिए, दैट्स गुड। तो क्लास जो होगी YouTube पे होगी, क्लास YouTube पे 12 to 3 PM पे YouTube पे, इसी चैनल पे जहाँ पे भी आप लोग सीख रहे हैं, क्लास जो होगी वो YouTube पे ही होगी, जहाँ पे अभी आप लोग इसको सीख रहे हैं, जहाँ पे भी आप लाइव देख रहे हैं, इसी जगह क्लास होगी, राइट? 12 to 3 PM, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम, आप लोग प्लीज जो भी डाउट आता है, जो भी चीज लिखी जा रही है, वो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए उस टॉपिक को लेके माइंड सेट कुछ नहीं है। जो लोग पहले से कहीं पढ़े हुए हैं, या कहीं और से बुक्स के अंदर पढ़ रखा है, या किसी फैकल्टी से पढ़ रखा है, या कहीं से सीख रखा है, वो उनका माइंड सेट पहले से बना हुआ है, उनका सोचने का जो लेवल होगा उसी लेवल से होगा जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सीखा है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं जाना है, मैं चाहता हूँ वो लोग जरूर करें, और जितने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं करिए कि सर ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ये फैक्टर क्यों लिखा है, इसको डिवाइड क्यों किया, एवरीथिंग, हर वो चीज पूछिए जो आपके मन में आ रहा है। और मैं एक चीज बता दूं, जो IITian और नॉर्मल बच्चों में डिफरेंस होता है वो यही होता है, IITian किसी भी चीज के लिए हेजिटेट नहीं करता है। अगर उसको ये भी समझ में नहीं आता ना कि 1+1 2 ही क्यों लिखा, तो भी वो पूछ लेता है कि सर ये क्यों लिखा। बाकी बच्चे उसको हेजिटेट में कर जाते हैं कि सर क्या सोचेंगे, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, ये IITian और NIT वाला बच्चा, ये अच्छे प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चा नहीं सोचता है। उनका बेसिक इसी चीज पे होता है कि हर चीज का रीजन पता उन्हें। तो कल की क्लास को इतना इफेक्टिव बनाना है और इतने ज्यादा लाइव होने चाहिए, ताकि जितने ज्यादा लाइव होंगे उतने क्वेश्चन आएंगे और उतना इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है? तो सब अटेंड करिएगा प्लीज। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट? बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड तेजस्वी। अगर आप IITian है और अगर आप रेगुलर आ रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड फॉर मी। सावन सर, स्टील का लेक्चर और कितने दिन चलेगा? इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे लो, अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं। टेंशन, कंप्रेशन, प्लास्टिक एनालिसिस, बीम, रूफ ट्रस और गेंट्री का डस्सा बाकी है, तो भी आप लोग आराम से पढ़ते जाइए जितना आप सीख सकते हैं। सावन, ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो है वो जाएगा डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सुनिए, आप सब लोग कॉन्सेंट्रेट करिए स्क्रीन पे, और जो पूछा जा रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन, पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर वेल्डेड कनेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसे कनेक्शन के बारे में सोचा गया, जबकि मेरे पास में बोल्ट और रिवेट जो अवेलेबल है उसको मैं कैसे भी करके कनेक्शन कर सकता हूँ और सारे मेंबर को कनेक्ट किया जा सकता है, बोल्ट और रिवेट से मैं सारा कनेक्शन कर सकता हूँ, तो फिर वेल्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्यों सोचा गया, ऐसी क्या कंडीशन आ गई। तो मेरे पास में वेल्डेड कनेक्शन पे आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कुछ सोचना होगा कि जो चीजें बताई गई हैं क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवेट और बोल्ट के बारे में, रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन के बारे में देखते हैं, वे इन दोनों के क्या ड्रॉबैक रहे कि मुझे जो है आगे नया टाइप ऑफ कनेक्शन सोचना पड़ा। तो रिवेट और बोल्ट के अंदर हम देखते हैं, तो मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी एक मेंबर है, एक लेफ्ट जॉइंट बना लेता हूँ, दैट इज द लेफ्ट जॉइंट, और इस लेफ्ट जॉइंट के अंदर हम लोगों ने ये लेफ्ट जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट जॉइंट कुछ ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट जॉइंट,
और यहाँ पे आप लोगों ने होल कर दिया, यहाँ पे आप लोगों ने होल कर दिया, ये आपने क्या कर दिया इसमें होल कर दिया, तो ये होल हो गया, ये होल हो गया। दोनों में कॉमन चीज चल रही है, दोनों में रिवेट और बोल्ट में ये चीज कॉमन चल रहा है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं यहाँ तक, ये सारा चीज हम देख चुके हैं। अब जो अंतर आना शुरू हुआ है वो क्या होगा वो देखिए। तो सबसे पहला अंतर जो हो जाएगा, सबसे पहला डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि भाई जब इसमें हम रिवेटिंग करते हैं, जब इसमें रिवेटिंग करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, रिवेट लेके आता हूँ, रिवेट लेके आया, उसको इसमें इंसर्ट किया, उसको इसमें इंसर्ट किया, ये मैंने इंसर्ट कर दिया कुछ ऐसे, ये इसमें इंसर्ट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक वैसे भी बोल्ट के अंदर बोल्ट लेके आया, उसको इंसर्ट कर दिया मैंने कुछ ऐसे, ये बोल्ट इंसर्ट कर दिया ऐसे। यहां तक कोई चेंजेज नहीं है रिवेटिंग और बोल्टिंग में, रिवेटेड में और बोल्टेड में यहाँ तक कोई चेंजेज नहीं है। चेंज जो होना है वो क्या होगा, चेंज होना वो क्या होगा, चेंज होना वो ये हो जाएगा कि जब आप इसमें हेड बनाते हैं, जब आप इसमें हेड बनाते हैं रिवेट में, तो क्या करते हैं मशीन के द्वारा या हैमर के द्वारा यहाँ पे आप हेड बनाते हैं, यहाँ पे आप हेड बनाते हैं, जब आप हेड बना रहे हैं, हेड बना रहे हैं तो क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होगा, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होगा। दूसरा क्या होगा, हेड जब आप बना रहे हैं तो आपको अगर मान लो 1000 रिवेटेड बना रहे, 1000 रिवेट लगाने हैं तो आपको लेबर भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, लेबर ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, लेबर ज्यादा होगी और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, स्किल्ड लेबर की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। स्किल्ड लेबर की क्यों आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको हर एक रिवेट पे इक्वल हेड बनाना है, हर एक रिवेट पे इक्वल हेड बनाना है तो वो स्किल्ड लेबर कर सकता है, और स्किल लेबर की कॉस्ट ज्यादा होगी, उसकी रेट ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी तो स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। अब मैं हर एक रिवेट का हेड अलग अलग बना रहा हूँ तो वहां पे मुझे टाइम ज्यादा चाहिए होगा, टाइम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अगर मान लो कि भाई एक रिवेट का हेड प्रॉपर नहीं बना, उसको मुझे हटा के दूसरा लगाना है, तो वो रिवेट रीयूज कभी नहीं होगा, आपको इसको क्या करना होगा, रीयूज कभी नहीं होगा और रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, रिप्लेसमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है और ना ही रीयूज पॉसिबल है, ना तो रिप्लेस कर सकते हो ना रीयूज कर सकते हो। कैसे, रिप्लेस करने के लिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा, आपने हेड बना दिया, अब आपके पास में एक ही चॉइस बचती है इसको हटाने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रीयूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करके ही बाहर निकालोगे। तो ये चीजें इसके अंदर क्या आ रही थी, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो फिर ये सोचा गया कि यार जो हेड में, अच्छा एक चीज ये भी थी कि भाई सारे रिवेट पे हेड बराबर बने, सारे रिवेट पे हेड बराबर बने ऐसा भी जरूरी नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो सकता है, तो फिर कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास में क्या होगा, अनइवन कंस्ट्रक्शन, अनइवन लोड कैरिंग कैपेसिटी होने लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दोनों साइड रिजिडनेस चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे जहाँ पे कम हेड बना वहां पे कम होगा, तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगे, सारे रिवेट की प्रॉब्लम्स थी। तो फिर ये सोचा गया कि यार कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि जो मैं हेड यहाँ बना रहा हूँ ये जो हेड यहाँ बना रहा हूँ वो कंपनी से ही बन के आ जाए जैसे रिवेट बन के आ रहा था, कंपनी से ही बन के आ जाए जैसे रिवेट बन के आता है, मुझे सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ जाए, सिंपल मैं इंस्टॉल कर दूं काम हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे पास में टाइम भी कम लगेगा, रीयूज भी किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है, नॉइज पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, स्किल लेबर की आवश्यकता नहीं होगी, अगर ये कर सकता हूं तो कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि सारे इसके ड्रॉबैक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, अगर मैं ये हेड कंपनी से मैन्युफैक्चर करके मंगवा लूं तो फिर जो है दिमाग में जो आया वो आया कि यार क्यों ने हम यहाँ पे जो बोल्ट बना रहे हैं कंपनी से मैन्युफैक्चर करके मंगवा रहे हैं, वैसे ही हम क्या करें यहाँ पे नट को भी हम क्या करें कंपनी से मैन्युफैक्चर होके मंगवा लें, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ जाए, ओनली इंस्टॉल करना पड़ जाए। तो नट का जो आइडिया दिमाग में आया, नट और बोल्ट का, बोल्ट तो सेम वैसा ही था, तो जो नट का जो आइडिया आया वो इस तरीके से आया कि भाई मैं इतना सारा जो कर रहा हूँ वो यहाँ पे कुछ नहीं करने की आवश्यकता होगी,
नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, लेबर स्किल्ड हो जरूरी नहीं है, कोई भी उसको विंच लेके उसको टाइट कर सकता है। कॉस्टिंग, जब लेबर स्किल्ड की आवश्यकता नहीं तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिक कम हो गया। 1,000 रिवेट लगाने 5 आदमी भी पूरे दिन भर में लगा सकते हैं, यहाँ पे 1,000 को लगाने के लिए तुम्हें कम से कम जो है वो 20 से 50 लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। रीयूज, अगर मान लो तुम्हारे पास इसको अच्छा नहीं लगा, मान लो कम डाया का लगा दिया, नट को बाहर निकालो, नट को लूज करके बाहर निकालो, दूसरा बोल्ट लगा दो, रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है और रीयूज भी पॉसिबल है। तो जो जो रिवेटेड के ड्रॉबैक थे वो सारे बोल्ट ने कवर कर लिए, सारे बोल्ट ने कवर कर लिए। लेकिन 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 इन दोनों का ड्रॉबैक क्या है, इन दोनों का ड्रॉबैक क्या है? हेलो निकी मिश्रा, हेलो निकी मिश्रा, चलिए कॉन्सेंट्रेट करिए स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि इन दोनों का जो ड्रॉबैक होगा वही तो मुझे नई चीज सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का ड्रॉबैक क्या है, इन दोनों का ड्रॉबैक क्या है, इन दोनों का ड्रॉबैक ये है कि ये है कि इन दोनों का ड्रॉबैक लिख रहा हूं। तो मान लो मेरे पास में ये कोई एक प्लेट है, इस प्लेट में हमने क्या किया, इस प्लेट में हमने क्या किया कि भाई हमने यहाँ पे एक होल बना दिया, ये होल बना दिया, ये होल बना दिया, ये होल बना दिया, ठीक है। अरे भाई वेट कितना इंक्रीज होगा यार, बोल्ट और रिवेट से कितना इंक्रीज होगा वेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत नेग्लिजिबल है। ये मैंने बोल्ट या रिवेट लगा दिया ऐसे, ये बोल्ट या रिवेट, ये हो जाएगा बोल्ट या रिवेट, या रिवेट होगा, और ये जो बनाया तुमने ये बनाया होल, ये होल बनाया, ये होल है, समझो समझो। अरे क्या लिखा, ड्यू टू क्लियरेंस नॉट परफेक्टली रिजिड, तेजस्वी, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज द आंसर। तेजस्वी का आंसर परफेक्ट आंसर है भाई, वेट इंक्रीज हो जाएगा, कोई वेट इंक्रीज नहीं होगा यादव जी। तुम्हारी जेब में, तुम्हारे वेट के रिस्पेक्ट में, अगर तुम्हारी जेब में मैं एक पेन की बजाय 4 पेन रख दूं, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारे वेट पे, है जी यादव अंकित, ठीक है। एंड टाइम एंड मटेरियल वेस्टेज इज मोर, नहीं कोई ज्यादा, वो सारा हम देख चुके हैं। नोट अपीयरेंस इन गुड, विक्की नहीं, अपीयरेंस को लेके हम कोई बात नहीं कर सकते, वोल्टेज कनेक्शन अपीयरेंस अच्छा ही देता है, इतने ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तेजस्वी ने सही आंसर लिख दिया। अब आते हैं अमन, वेरी गुड अमन, अमन ने बिल्कुल सही लिखा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इधर, तो अब कंसेप्ट यहाँ स्क्रीन पे देखो सब लोग, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में ये होगा कि भाई ये वाला जो प्लेट है जिसके ऊपर फोर्स लगा है, बोल्ट के डाया, बोल्ट और रिवेट के डाया में, दोनों कॉमन है तो कोई एक बोलूंगा मैं, बोल्ट के डाया में और होल के डाया में इतना क्लियरेंस अवेलेबल है, ये क्लियरेंस क्या है, अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस। इतना क्लियरेंस क्या है, अवेलेबल है। हेलो सोनू, इतना क्लियरेंस क्या अवेलेबल है, तो क्लियरेंस अवेलेबल होने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर जो कनेक्ट किए हैं, मेंबर जो कनेक्ट किए हैं, मेंबर क्या कर सकते हैं, मेंबर कैन मूव एट जॉइंट, एट जॉइंट, या बेटर वर्ड लिखूंगा तो एट कनेक्शन, एट कनेक्शन, यानी कि मेंबर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कितना मूव कर सकता है, जितना तुमने क्लियरेंस दिया है, जितना तुमने क्लियरेंस दिया है। रिवेट में क्लियरेंस जो होता है 1.5 N 2 mm का होता है, बोल्ट में जो क्लियरेंस होता है 1, 2 और 3 mm का होता है, होता नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो मेंबर यहाँ पे इतना मूव कर सकता है, कनेक्शन के ऊपर मूव कर सकता है। तो भाई जब मेंबर कनेक्शन पे मूव कर सकता है तब उस केस में, तब उस केस में इस कनेक्शन को, तब उस केस में इस कनेक्शन को मैं कहाँ यूज नहीं कर सकता, कैन नॉट यूज, कैन नॉट यूज, मैं वहां यूज नहीं कर सकता जहां पे क्रिटिकल लोड लग रहा है, कैन नॉट यूज अंडर क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड। अब भाई क्रिटिकल लोड कौन से, क्रिटिकल लोड कौन से, तो क्रिटिकल लोड आता है मेरे पास में इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन लोड, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, डायनेमिक लोड, विंड फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स, डायनेमिक लोड, डायनेमिक लोड, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस, साइक्लिक लोड,
साइक्लिक लोड, इनके अंदर ईटीसी विंड लोड, अर्थक्वेक फोर्स, ये जितने भी लोड होते हैं ये सारे के सारे इंपैक्ट लोड कहलाते हैं। ये इनके अंदर मैं कहीं पे भी इस वाले कनेक्शन को यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई ये कनेक्शन के ऊपर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इट मीन्स की मेरे पास में जो कनेक्शन दिया गया, मेरे पास में जो कनेक्शन दिया गया है कि जहां मुझे इंपैक्ट लोड ट्रांसफर करना है, वाइब्रेशन करना है, डायनेमिक लोड ट्रांसफर करवाना है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, साइक्लिक लोड, ये जितने भी लोड आते हैं इनमें से मोस्टली लोड जो होते हैं वो रेलवे ब्रिज में लगते हैं, रेलवे ब्रिज में होते हैं, रेलवे ब्रिज में होते हैं। तो जहां पे भी रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज को लेकर डिजाइन करते हो, वहां पे आज के टाइम मतलब लास्ट 15-20 ईयर से जो ब्रिज बने हैं सारे के सारे वेल्डेड बने हैं। 20-25 साल पहले जो ब्रिज बने हुए थे वो सारे WSM से बने थे और उसके अंदर वेल्ड को इतना ज्यादा यूज नहीं किया गया था। ठीक है, बट राइट नाउ जो ब्रिजेस बन रहे हैं सारे वेल्डेड बन रहे हैं, सबको पता लग गया। तो वेल्ड देखो, तो मेरे पास में यानी कि बोल्ट और रिवेट को मैं नेग्लेक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्लियरेंस की वजह से। क्लियरेंस का क्या नुकसान हो रहा था? नुकसान ये हो रहा था कि वो कनेक्शन के ऊपर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे चलो एक पॉइंट पूछते हैं, देखते हैं कितना दिमाग चलता है। ये वाला जो कनेक्शन है जो तुम्हारे सामने शो किया गया है, ये कनेक्शन सिंपल ज्वाइंट है या रिजिड ज्वाइंट है? ये जो ज्वाइंट जो तुम्हें सामने दिख रहा है, ये सिंपल ज्वाइंट है या रिजिड ज्वाइंट है? एवरीवन, दैट इज सिंपल ज्वाइंट और रिजिड ज्वाइंट? एवरीवन, अरे सब लोग आंसर लिखो भाई। अभी विक्कू, मनीष, अंकित, अमन एंड अक्षय, दुष्यंत, एवरीवन, चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिंपल ज्वाइंट हो जाएगा और सिंपल ज्वाइंट को जो हम लोग उसके अंदर ये यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ ट्रांसमिशन टावर में करते हैं दोस्त मनीष पाल, बिल्कुल करते हैं जी। कारण भी बता दूं, ट्रांसमिशन टावर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होती है। अगर आप ट्रांसमिशन टावर को लगा हुआ देखते हैं तो आप ये देखना कि ट्रांसमिशन टावर में एक टावर यहाँ लगा तो दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा होगा, चौथा यहाँ कहीं लगा होगा, कभी भी वो सिंगल लाइन में नहीं लगे होंगे। जैसे आप स्ट्रीट इलेक्ट्रिक पोल लगा देते हो ना एक ही लाइन के अंदर, वैसे ट्रांसमिशन टावर कभी सिंगल लाइन में नहीं लगते हैं, क्योंकि वो पहले बात उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, विंड का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑसिलेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ये इस तरीके से अगर होगा तो क्या होगा? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगी। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस से ये स्ट्रक्चर बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जिगजैग पैटर्न में लगाया जाता है, और जिगजैग पैटर्न भी कांस्टेंट नहीं होता है। ये यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा अलग जगह होगा, फिर ये वाला इसकी जस्ट लाइन में नहीं होगा, ये भी अलग जगह पे होगा, ताकि इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। आप कभी ट्रेवल करते हो ट्रेन से तो देख लेना ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई, जो अभी तक हम लोगों ने देखा रिवेट और बोल्ट में, कि वहां पे क्लियरेंस अवेलेबल था और क्लियरेंस जो है कनेक्शन को मूवमेंट अलाउ कर रहा था, इसीलिए हम लोग जो है हैवी लोड, क्रिटिकल लोड यानी कि ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो फिर ये सोचा गया कि यार कुछ ऐसा ज्वाइंट डिजाइन करते हैं जो रिजिड कनेक्शन दे। तो भाई रिजिड का मतलब क्या होता है? मुझे कौन सा कनेक्शन चाहिए? रिजिड कनेक्शन चाहिए। तो रिजिड का मतलब होता है नो मूवमेंट। मैं अभी कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो नो मूवमेंट बिटवीन टू मेंबर दैट आर कनेक्टेड, टू मेंबर्स दैट आर कनेक्टेड, कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, दैट आर कनेक्टेड।
तो यहाँ पे मूवमेंट के अंदर मैं रोटेशन भी ले लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ले लेता हूँ, रोटेशन भी ले लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये रिजिड का मतलब ये हो गया। तो अब अगर इसमें देखें, हाँ ये आगे आगे देखेंगे, शिवम नायक आगे देखेंगे इसको हम, कि जहां पे डायमेंशन चेंज होगा नहीं होगा, विल सी लेटर ऑन, विल सी लेटर ऑन। तो वेल्डेड कनेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो वेल्डेड कनेक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए तुम्हारे पास में ये कोई एक प्लेट है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारे पास में कोई एक प्लेट है, दिस इज द प्लेट वन, ये कोई एक प्लेट है, दैट इज द प्लेट वन, दैट इज द प्लेट वन, एंड दैट इज अनदर प्लेट, दैट इज द प्लेट टू, दैट इज द प्लेट टू, इन दोनों प्लेट को मुझे क्या करना है, वेल्ड से कनेक्ट करना है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, वेल्ड से कनेक्ट करना है। तो दिस टू आर द प्लेट्स, दिस टू आर द प्लेट्स, इनको मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है लाइक दिस, ये कनेक्ट, वेल्ड से कनेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इस पे फोकस करिएगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेल्डिंग रोड लेके आऊंगा, वेल्डिंग रोड लेके आऊंगा, तो मैं एक वेल्डिंग रोड लेके आया, दैट इज द वेल्डिंग रोड, और इस वेल्डिंग रोड को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके पास लाऊंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में वेल्डिंग रोड, ये हो जाएगा वेल्डिंग रोड, वेल्डिंग रोड। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वेल्डिंग रोड लाके क्या करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंड्यूस करोगे, टेम्परेचर इंड्यूस करने से प्लेट का ये वाला जो पोर्शन है, प्लेट का ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, मेल्ट होने लग जाएगा, टेम्परेचर इंड्यूस करने से ये वाला पोर्शन क्या होगा, मेल्ट होगा। तो यहाँ पे प्लेट क्या हो गई, प्लेट क्या हो गई, मेल्ट हो गई, यहाँ पे प्लेट क्या हो गई, मेल्ट हो गई, और वेल्डिंग रोड जो आपने लिया है, वेल्डिंग रोड जो आपने लिया है, वो वेल्डिंग रोड भी यहाँ पे क्या होगा, वेल्डिंग रोड जो आपने लिया है, वेल्डिंग रोड जो आपने लिया है वो भी क्या होगा, मेल्ट होगा, वो भी क्या होगा, मेल्ट होगा। तो ये दोनों मेल्ट हो गए यहाँ पे, तो मेल्ट होने के बाद में ये क्या बन जाएगा, एक सिंपल पेस्ट बन जाएगा, ये एक सिंपल पेस्ट बन जाएगा, और ये पेस्ट ही धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा, ये पेस्ट ही धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा, और जब कूल होगा तो ये एक तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक मेंबर की तरह ट्रीट होने लग जाएगा, कूल होने के बाद क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देगा, ये खुद एक मेंबर की तरह ट्रीट होने लग जाएगा, तो उसको बोला जाता है वेल्ड, उसको क्या बोला जाता है, वेल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई ये वाला प्लेट भी मेल्ट हो गया, वेल्डिंग रोड भी यहाँ पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होने के बाद में धीरे धीरे जब कूल होगा ये, तो ये कूलिंग जो प्रोसेस, कूल होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में वेल्ड, ये हो जाएगा वेल्ड, और ये वेल्ड इस मेंबर की तरह ही बिहेव करेगा जो मेंबर लगा है। क्यों मेंबर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जहां पे ये मेंबर वेल्ड लगा है वहां पे तुम्हारे पास में प्लेट भी है मेल्ट पोजिशन में था, वेल्डिंग रोड भी मेल्ट पोजिशन में था, दोनों ने एक पेस्ट बनाया और वो पेस्ट कूल हुआ, उसको बोलते हैं वेल्ड। तो ये वेल्ड भी यहाँ पे एक मेंबर की तरह ट्रीट हो रही है, ठीक है, मेंबर की तरह ट्रीट होगी। तो जब मेंबर की तरह ट्रीट होगी तो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगाऊंगा तो इस मेंबर से, इस मेंबर से, इस मेंबर के अंदर आसानी से स्ट्रेसेस चली जाएगी, आसानी से स्मूथली स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये भी यहाँ पे मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है। एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि भाई एक पेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है, एक पेस्ट की स्ट्रेंथ जो होगी वो एक ही होगी। तो यहाँ पे वेल्ड की जो स्ट्रेंथ हम लेते हैं, एफ वाई वेल्ड जो लेते हैं, वो हम प्लेट के बराबर ले लेते हैं, एफ वाई प्लेट के बराबर ले लेते हैं, एफ वाई प्लेट के बराबर ले लेते हैं, और एफ वाई प्लेट का होता है 250 मेगा पास्कल। ये हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम एक पेस्ट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, और इस पेस्ट के अंदर तुम्हारे पास प्लेट भी है और वेल्डिंग रोड का भी है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा FUW, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, और ये भी बराबर माना जाएगा 410 मेगा पास्कल। ऐसा हम लेके किए, ऐसा हम लेके बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तेजस्वी का डाउट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डाउट है कि सर हम यहाँ पे वेल्डिंग रोड और प्लेट सेम मटेरियल होता है क्या,
आंसर होगा नो, नहीं। क्लियर आंसर है नहीं। वेल्डिंग रोड, इसका आंसर मैं तुम्हें एक अलग तरीके से देता हूं तेजस्वी, एक अलग तरीके से देता हूं, सुनो। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेल्डिंग रोड इन द वेल्डेड कनेक्शन? व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेल्डिंग रोड इन द वेल्डेड कनेक्शन? हाँ जी, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेल्डिंग रोड इन द वेल्डेड कनेक्शन? हीटिंग, टू इंड्यूस टेम्परेचर, हीट द मटेरियल, इंड्यूस टेम्परेचर। ओके ओके, मनीष, अंकित, दुष्यंत, अक्षय, अमन, दो मेंबर को ज्वाइन करने के लिए। अमन, टू मेल्ट एंड ज्वाइंट द मेंबर। अंकु, मनीष पाल, टू हीट द मटेरियल। और कोई, और कोई आंसर दो दोस्तों, सब लोग आंसर देने की कोशिश करो। What is the purpose of welding road? Welding road का welded connection में क्या purpose है? To fill the gap? No. Gap का तो कोई sense नहीं है। Gap क्यों रख रहे हैं? उसका reason भी अभी बताऊंगा। ये gap क्यों रखा जाता है? To melt and join. हाँ, okay। और कोई, और कोई, और कोई? Last five seconds. Anyone? चलो एक दूसरा क्वेश्चन। दोनों का सेम आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा टू हीट होगा, साइड टेम्परेचर को बियर करने के लिए, मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो पूरा मेल्ट हो जाएगा मेंबर। सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो कर, नहीं नहीं, सुनो सब लोग। दूसरा क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक ही है। सुबह मिस्टर टू वेल्ड द प्लेट एंड सेम प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय हीटिंग। चलिए चलिए, व्हाट इज द दूसरा का आंसर? दोनों का बेस आंसर सेम है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट? What is the purpose of cement in concrete? Bonding. Is it right word? Akshay, हाँ जी, second question का answer दीजिए। Binding. Everyone please answer. Try to make this class as interactive class. Use as a binding material. Binding. That is the. अरे मनीष पाल, स्ट्रेंथ छोड़ो, इसका मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज होता है बाइंडिंग। क्या पर्पज होता है? बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट का मेन पर्पज होता है कंक्रीट के अंदर, और वो होता है बाइंडिंग। वो क्या होता है? बाइंडिंग पर्पज होता है। ठीक उसी तरीके से वेल्डिंग रोड का कनेक्शन में, वेल्डेड कनेक्शन में जो पर्पज होता है वो बाइंडिंग पर्पज के लिए दिया जाता है। ठीक है। और बाइंडिंग मेन जो पर्पज होता है वो बाइंडिंग पर्पज के लिए होता है। यानी कि जब भी आप वेल्डिंग रोड को यहाँ पे लेके आते हो, आप यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ से एक मशीन से एक प्लेट लगाते हो जिस मेटल को कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंड्यूस होगा और ये मेल्ट होगा। तो वेल्डिंग रोड जो है वो एक बाइंडिंग मेटेरियल के तौर पर यूज किया जा रहा है, ताकि जैसे मेल्ट मेटल जो है वो मेल्ट होगा और ये भी मेल्ट होगी, तो जो पेस्ट बना है ना, ये पेस्ट अपने आप में एक बाइंडिंग मटेरियल हो जाएगा, तो वापस कूल होगा तो पुराने वाले मटेरियल से जो कि एक सॉलिड फॉर्म में। भाई पेस्ट जो हुआ है वो पेस्ट तो इतना सा पोर्शन हुआ है, बाकी ये तो सॉलिड है ना, तो इस पेस्ट को वापस इसके साथ बॉन्ड बनाना होगा, परफेक्ट बॉन्ड बनाना होगा, रिजिड बॉन्ड बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करता है ये मेल्ट, ये वेल्डिंग रोड क्या करती है? बाइंडिंग पर्पज का काम करती है, ताकि वापस इस और जो पुराना मेटल है उससे बाइंड बना सकें और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकें। थ्योरिटिकली हमने इसका वैल्यू जो है वो बराबर लिया है, वेल्ड की स्ट्रेंथ और प्लेट की स्ट्रेंथ बराबर ली है,
जबकि रियल सेंस में वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मेटल की स्ट्रेंथ से। इन रियल लाइफ वेल्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वेल्डिंग रोड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे मेटल से। क्लियर है सबको। लेकिन हम लोग जो आंसर जो कैलकुलेशन में देखेंगे वो कैलकुलेशन में ये वाला पोर्शन देखेंगे जहां पे प्लेट और वेल्ड की स्ट्रेंथ हम बराबर लेके चलते हैं। कोई डाउट हो बताइए किसी को भी। दैट इज द वेल्डेड कनेक्शन। एनीवन। क्लियर टू ऑल। यस और नो? अरे भाई रेस्पॉन्स तो देते जाओ। नहीं कर सकते। हम नॉर्मली देखिए हमारे पास जो बाइंडिंग मटेरियल जो दिया गया है वेल्डिंग रोड की जगह अगर कोई दूसरा यूज करते हो और उसका नेचर अगर सेम ऐसा है तो कर दो, कोई इश्यू नहीं है। मनीष ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गया कि मेरे पास में जो है वो यहाँ पे क्या हो गया जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये मेंबर क्या होगा, एक यहाँ पे जो फोर्स लगा है उससे जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई वो स्ट्रेसेस आसानी से एक मेंबर से होते हुए कनेक्शन से होते हुए दूसरे में चली जाएगी, क्योंकि अब ये तुम्हारा वेल्ड जो है वो क्या करेगा, ये यहाँ पे रिजिड कनेक्शन दे रहा है, यानी कि ये यहाँ पे इन दोनों मेंबर को बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। राइट, कोई डाउट हो बताओ इसमें किसी को भी। तो यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट निकल के आ गया कि भी वेल्डेड जॉइंट इज रिजिड कनेक्शन। वेल्डेड जॉइंट क्या हो गया, रिजिड कनेक्शन हो गया। रिजिड का मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, नो मूवमेंट अलाउ बिटवीन टू मेंबर्स जो कनेक्ट किए गए उसके बीच में कोई भी टू मेंबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब मूवमेंट अलाउ नहीं हो रहा है, रिजिड कनेक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन लोड के अंडर में इसको यूज कर सकते हैं। इंपैक्ट लोड, वाइब्रेशन लोड, डायनेमिक लोड, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, साइक्लिक लोडिंग, फटीग लोड, इनके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इन लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे वेल्डेड जॉइंट्स आर बेटर फॉर फटीग लोड, इंपैक्ट लोड, वाइब्रेशन ईटीसी, ठीक है। बिल्कुल ये हेल्पफुल है अगर तुम्हारे सिलेबस में स्टील स्ट्रक्चर है, तो ये बड़ा हेल्पफुल सब्जेक्ट है। अगर स्टील स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर लर्निंग पर्पज से आप इसको सीख लो, नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी आएगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए कोई डाउट इसमें किसी को भी, एनीवन? तो वेल्डेड कनेक्शन के बारे में दो पॉइंट देख चुके हैं, वेल्डेड जॉइंट इज द रिजिड कनेक्शन एंड इट इज बेटर फॉर फटीग लोड, इंपैक्ट लोड, वाइब्रेशन और ईटीसी में सब कुछ आ जाएगा। देन अब हम आगे बात करते हैं अजम्पशन के बारे में। अजम्पशन के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अजम्पशन हम जो लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। अजम्पशन लिखने का मतलब ये होता है कि हर एक चीज का अपना ड्रॉबैक होता है और वो ड्रॉबैक के लिए मैं आपको अजम्पशन लिखवा रहा हूँ। हर एक चीज का अपना ड्रॉबैक होता है, अपना बेनिफिट्स होते हैं। तो जो पॉइंट है वो क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
ठीक है, उसी को मैं जंक्शन में भी बता रहा हूँ, वेट करिए वेट करिए। विशाल गुप्ता सर, सेम मटेरियल हैव द सेम प्रॉपर्टी देन द स्ट्रेंथ विल बी लाइक सेम, देन इट्स गुड फॉर मटेरियल और बेड, दैट इज गुड आल्सो। विशाल गुप्ता जी, जब मेरे पास में जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ यानी कि वेल्ड की स्ट्रेंथ अगर प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर है, तब उससे अच्छा तुम्हें क्या चाहिए होगा, उससे अच्छा क्या चाहिए होगा। क्योंकि जब मैं जॉइंट की स्ट्रेंथ बात करता हूँ तो जॉइंट के अंदर क्या लिखता हूँ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। या तो कनेक्शन फेल हो जाए या मेंबर फेल हो जाए। यहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, कनेक्शन की स्ट्रेंथ भी बराबर है और मेंबर की स्ट्रेंथ बराबर है, इससे अच्छा तुम्हें क्या चाहिए होगा। विशाल गुप्ता क्लियर है, क्लियर है। देन दुष्यंत सर, फटीग लोड और साइक्लिक लोड में क्या डिफरेंस है, फटीग लोड और साइक्लिक लोड में क्या डिफरेंस है। तो यार फटीग लोड और साइक्लिक लोड के लिए हम एक बात करें दुष्यंत, फटीग लोड और साइक्लिक लोड में क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे मैं तुम्हें तीन अलग अलग तरीके के नाम बता रहा हूँ। साइक्लिक लोड, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस और फटीग लोड, साइक्लिक लोड, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस और फटीग लोड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए आपने कभी एल्यूमिनियम वायर ब्रेक किया होगा, एल्यूमिनियम वायर ब्रेक किया होगा, तो एल्यूमिनियम वायर जब आपने ब्रेक किया होगा तो क्या किया होगा आपने, बचपन में सब लोग करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से करेंगे, हाँ या ना, इस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फटीग स्ट्रेसेस, ये कहलाता है फटीग स्ट्रेस। तो जब आप ऐसे कुछ करते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर टेंशन हुआ इधर कंप्रेशन हो गया, इधर टेंशन हुआ इधर कंप्रेशन हो गया, जब इसके अपोजिट किया तो इधर टेंशन आ गया इधर कंप्रेशन आ गया, हाँ या ना। तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, देखिए तो मेरे पास में जो स्ट्रेसेस होती हैं, जो मेरे पास में स्ट्रेसेस होती हैं, वो देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास में ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बेस लाइन, दैट इज द बेस लाइन, और इस बेस लाइन के अंदर मैं मान लीजिए एग्जांपल देके बता देता हूं ना, ये मान लो तुम्हारे पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर है, सुनिएगा सब लोग, ये स्ट्रक्चर है जो आप आरसीसी में या स्टील में आप देखते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर, और मैंने क्या किया इसके ऊपर अर्थक्वेक या विंड फोर्स लग रहा है, समझना इस चीज को, फटीग साइक्लिक और रिवर्सल में कभी नहीं भूल पाओगे। अगर अर्थक्वेक फोर्स आता है तो आप ये जानते हो इधर पी वेव लग रहा है, इधर पी वेव लगता है तो इधर एस वेव लगता है, पी और एस वेव जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, पी और एस वेव होती है। तो जैसे ही कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आती है वो स्ट्रेसेस आएगी कुछ ऐसे, ये स्ट्रेसेस आ रही है नॉर्मल लोडिंग की वजह से, ये स्ट्रेसेस आ रही है नॉर्मल लोडिंग की वजह से, इसको मैंने पिन जॉइंट माना है, ये इंटरमीडिएट है इसलिए मैंने इसको जीरो किया है। अब ये जो स्ट्रेसेस आई है, यानी कि आपके पास में जो स्ट्रेसेस चली है वो स्ट्रेसेस चली है कुछ ऐसे, स्ट्रेसेस जो जा रही है कुछ ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेसेस आई है वन डायरेक्शन ओनली, जब जो है इस तरीके से फोर्स लग रहा था, यानी कि इधर से फोर्स लग रहा था। अगर विंड का डायरेक्शन इधर हो जाए या अर्थक्वेक का डायरेक्शन अगर इसके अपोजिट हो जाए तो ये क्या होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेसेस अप्लाई करना शुरू कर देगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगी, हाँ या ना। तो जहां पहले अगर मैं इस मेंबर को देखता हूं, अगर मैं इस मेंबर को देख लेता हूं, ये मेंबर यहां है, तो जब ये लोड लगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बना था, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था ऐसा कुछ, इसको मैं सिंपल मान रहा हूं। तो यहाँ पे कंप्रेशन था, यहाँ पे टेंशन था, जब इसके अपोजिट स्ट्रेसेस होगी, अपोजिट स्ट्रेस होगी तो इसका डायग्राम कैसे बन गया, इसका डायग्राम बन गया ऐसे। तो जहां पहले टेंशन आ रहा था वहां पे क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया, जहां पहले कंप्रेशन आ रहा था वहां पे क्या आ गया, टेंशन आ गया, यानी कि चेंजेस हो गया। तो जिस सेक्शन पे पहले टेंशन था वहां पे अब कंप्रेशन है, That is called reversal of stress. Reversal of stress. Right? इस तरीके से अगर कोई वेव चलती, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में एक डायरेक्शन स्ट्रेस है और इसके अपोजिट जो चलेगा, ये दोनों जो चल रही है ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होती है, ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कहलाती है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस कहलाती है। साइक्लिक जो होता है, साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में होता है तुम्हारे पास कुछ ऐसे,
जीरो लोड हुआ, पीक तक स्ट्रेस गया, पीक तक गया वापस जीरो हो गया, फिर वापस आपने लोड लगाना शुरू कर दिया, फिर पीक तक स्ट्रेस गया वापस जीरो हो गया, फिर आपने ऐसे किया फिर ऐसे हो गया, ये होता है साइक्लिक स्ट्रेस। हर एक पॉइंट के बाद में साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है, ये होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। दुष्यंत ठीक है, कोई डाउट इसमें? दुष्यंत क्लियर? हाँ जी, किसी को डाउट है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रेस में और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस में? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? पॉसिबल है, पॉसिबल है। अबे सर में अबे अबे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नाउ विशाल का डाउट आया है, सर यू सेड वी विल टेक डिफरेंट मटेरियल फॉर बोथ, व्हाई? सेम मेटल इज गुड फॉर वेल्डेड। अरे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे, एक बात बताओ, यहाँ पे मैं जब मैं कनेक्ट करूंगा दो मेंबर को, जब कनेक्ट करना चाहता हूँ, विशाल एक कॉमन बात करते हैं, तो जब मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो कनेक्शन के लिए ऐसा मटेरियल लूंगा ना जो दोनों मेटेरियल, दोनों मेटल को, दोनों मेंबर को बाइंड करके रख सके, जोड़ के रख सके। तो जब तुम सेमी मेटल वहां पे ले लोगे तो क्या उसको कनेक्ट कर पाएगा क्या विशाल? सिंपल सा बात सोचो, सिंपल सा बात सोचो कि अगर तुम यहाँ पे जो रोड ले रहे हो, ये रोड जो है अगर इसका बाइंडिंग नेचर खत्म हो जाता है, अगर इसका बाइंडिंग नेचर खत्म हो जाता है तो क्या यहाँ पे ये कनेक्शन बना पाएगी क्या, क्या ये कनेक्शन बना पाएगी क्या, हाँ या ना विशाल गुप्ता? तो जब इसका बाइंडिंग नेचर ही नहीं होगा तो फिर ये कनेक्शन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग वेल्डिंग रोड का मटेरियल अलग होता है और स्टील का मेटल अलग होता है, इन दोनों का नेचर अलग अलग होता है, इन दोनों का नेचर अलग अलग, मेटेरियल अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ जी, क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? चलिए चलिए, तो अब हम यहाँ पे एक डाउट और आया था बीच के अंदर किसी और का, कि जो डक्टाइल डक्टाइल को बोल रहा था कि शरीर वेल्ड जो होता है ब्रिटल होता है, मेटल डक्टाइल होता है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम अजम्पशन में देखो, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर रही हैं। और वो क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन ये है देखो, जो मैं सोचने का तरीका, पढ़ने का, सीखने का तरीका बता रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर भी बनेंगे यहाँ से। जी इसमें अब देखें, इसमें अगर हम देखें तो मैं इसको पहले क्लीनिंग कर देता हूँ, ये फालतू के हटा देता हूँ, ये सारे हटा देता हूँ, आप वीडियो दोबारा देख लेना, ये सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। चलो 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 ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब मेरे पास में दिमाग में क्या है कि बहुत सारे डाउट आ गए जिनको मुझे समझने हैं, जिनको आंसर पता करना है, अगर वो नहीं होते हैं तो मुझे आगे का लिखा हुआ मतलब नहीं है, समझो इस चीज को। अभी आपने बताया कि भाई ये जो होगा, ये प्लेट, ये जो प्लेट है वो मेल्ट करेगी, चलो मान लेते हैं बिल्कुल, ये प्लेट क्या करेगी, मेल्ट करेगी, मेल्ट कर दिया, यहीं रुक जाओ, आपने कहा मेल्ट करेगी, बिल्कुल मेल्ट कराओ। सर मेल्ट करने का मतलब क्या है आप जानते हो? बिल्कुल जानते हैं जी, क्या है मेल्ट करने का मतलब? मेल्ट करने का मतलब है कि भाई मटेरियल जो था, जो मेंबर था, वो मेंबर अपना सॉलिड स्टेट छोड़ के पेस्ट फॉर्म में चला गया, पेस्ट फॉर्म में चला गया, सॉलिड स्टेट छोड़ के पेस्ट फॉर्म में चला गया। सॉलिड स्टेट छोड़ने का मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, जो कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आई थी, वो स्ट्रेंथ आपने जैसे पेस्ट में कन्वर्ट हुआ वो जीरो हो गई। पेस्ट की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, पेस्ट की कोई टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो यहाँ पे क्या होगी, जीरो हो गई, वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब ये जीरो हो गई, चलो अच्छी बात, अच्छी बात क्या वो तो आगे देखेंगे। जब ये जीरो हो गई तो आपने वेल्डिंग रोड लेके आए, वेल्डिंग रोड लेके आए, फिर आपने क्या करा, उसको भी यहाँ पे पेस्ट बना दिया, उसको फिर आपने कूल करके वेल्ड बना दिया।
ठीक है, तो ये जो पेस्ट बना है वो तो सडन कूल होगा, क्या इस पेस्ट का कूलिंग प्रोसेस और इस मेटल का जो बना था क्या इन दोनों का कूलिंग प्रोसेस सेम नेचर का होगा? आंसर है जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। तो जब जरूरी नहीं है तो इसको हम जानते हैं कि वेल्डिंग को सडन कूल कर दिया जाता है, वेल्डिंग को सडन कूल कर देते हैं। तो ये वाला जो बना है, ये वाला जो ज्वाइंट बना है, ये वेल्ड का जो ज्वाइंट बना है वो ब्रिटल कनेक्शन होता है, ब्रिटल कनेक्शन होता है, ये ब्रिटल कनेक्शन होता है, जहां पे वेल्ड किया है वो वेल्ड ब्रिटल कनेक्शन है, ब्रिटल कनेक्शन है। तो एक तो चीज पता लगे कि वेल्ड ब्रिटल कनेक्शन है, और ये मेंबर जो है वो मेरे पास में कौन से है, हॉट रोल्ड सेक्शन है, ये कौन से है, हॉट रोल्ड सेक्शन है। और हॉट रोल्ड सेक्शन जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, माइल्ड स्टील नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, माइल्ड स्टील नेचर के होते हैं। तो सर एक बात सोचो, एक बात सोचो भाई, मेंबर तुम्हारे पास माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील नेचर का, वेल्डेड कनेक्शन ब्रिटल नेचर का, कैसे कैसे इसको इंश्योर करोगे, कैसे इसको इंश्योर करोगे? तो इसके लिए अजम्पशन ये कहता है, अजम्पशन ये कहता है कि भाई वेल्ड किया कितनी जगह पे तुमने, मेंबर का डायमेंशन 200 mm, 300 mm, वेल्ड किया 5 mm का, 5 mm का, 5 mm का, तो क्या होगा? आप उसको इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, इफेक्ट ऑफ दिस ब्रिटलनेस हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दोनों को सेम मटेरियल मानते हैं, वेल्ड को भी और मेटल को भी। अजम्पशन के अंदर यही लिखते हैं कि वेल्ड कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स आर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक मटेरियल। मटेरियल को हम क्या मानते हैं, होमोजीनियस इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। इसका मतलब जहां पे वेल्ड किया है वहां पे जो वेल्ड वाला जो पोर्शन है जो ब्रिटल हो रहा था उसको हमने ब्रिटलनेस खत्म कर दी, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मेंबर की तरह बिहेव करेगा, वो मेंबर की तरह बिहेव करेगा। तो पहला डाउट तो दिमाग में क्लियर हो गया कि वेल्ड का ब्रिटल होना और मेंबर का डक्टाइल होना, तो वेल्ड का ब्रिटल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया अजम्पशन में, ये हमने पॉइंट देख लिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ गया, वो क्या आ गया कि सर एक बात बताओ कि आपने जब यहाँ पे, आपने जब जिस जगह, ये मान लो तुम्हारे पास ही है, तो जहां पे आपने मेटल को वेल्ड किया, जहां पे आपने मेटल को वेल्ड किया, तो सर जरूरी थोड़े ही है कि जहां पे मेटल वेल्ड हुआ उसके आसपास वाला मेल्ट नहीं होगा भाई, ये मेंबर भी तो मेल्ट होगा ना भाई। यहाँ पे आपने वेल्ड किया तो मेंबर का ये वाला डायमेंशन भी तो इस मेल्टिंग के इफेक्ट में आएगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ पे तुमने यहाँ पे मेल्ट कर दिया, जस्ट इसके पास वाला भी सॉलिड के अंदर बना हुआ है, नहीं नहीं तुम इतना ही मेल्ट हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो पोर्शन मेल्ट हो रहा है उसके आसपास वाला भी मेल्टिंग के इफेक्ट में होगा। तो भाई जहां पे वेल्ड किया है, जहां पे हमने वेल्ड किया है उसके आसपास वाला पोर्शन क्या होगा, ब्रिटल इफेक्ट में होगा, क्या होगा, ब्रिटल इफेक्ट में होगा। तो ये जो पोर्शन है प्लेट का, ये जो पोर्शन है प्लेट का वो किस में होगा, ब्रिटल इफेक्ट में होगा, ये पोर्शन किस में होगा, ब्रिटल इफेक्ट में होगा। तो फिर इसका कैसे मानोगे, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसके बारे में अच्छा एक चीज तो ये। दूसरा सर, हम एट्थ क्लास में बताया था कि भाई सॉलिड में मेटल का वॉल्यूम सबसे कम होता है, पेस्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड में और ज्यादा होता है, एयर में सबसे ज्यादा होता है। तो सर यहाँ पे मेटल मेंबर जो है वो मेल्ट हुआ है, यानी कि अपना वॉल्यूम एक्सपांड किया है, एलोंगेशन हुआ है, वो एलोंगेशन का इफेक्ट क्या, वो एलोंगेशन का इफेक्ट क्या? तो कोड ये कहता है कि भाई इतना डिटेल, इतना डेप्थ में मत जाओ, अभी बीटेक कर रहे हो, इसको अजम्पशन में क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। अजम्पशन हम क्या कहेंगे कि जो मेंबर, द पार्ट्स कनेक्टेड बाय वेल्ड आर रिजिड, यानी कि जब मैंने मेंबर को रिजिड बोल दिया तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आर रिजिड। तो जब मेंबर को मैंने रिजिड बोल दिया तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वॉल्यूम एक्सपांड की वजह से, वो नेग्लेक्ट मान दिया जाएगा। क्या मान देंगे, नेग्लेक्ट मान देंगे। सेकेंड अजम्पशन ये लिखेंगे हम लोग, सेकेंड अजम्पशन ये लिखेंगे। पहला अजम्पशन हमने क्या लिख दिया कि भाई सारा ब्रिटल ब्रिटल हो रहा है उसको हटाओ, मेटल को आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और इलास्टिक मटेरियल मानो। दूसरा हमने क्या कह दिया
कि भाई यहाँ पे जो एक्सपांशन वगैरह हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन वगैरह हो रहा है, उसको भूल जाओ, नेग्लेक्ट कर दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम कर क्या रहे हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं कि भाई जो लोड पे मेटल लगेगा, जो मेंबर पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स मेंबर से होते हुए वेल्ड में जाएगा और वेल्ड से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। एवरीवन क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस और नो? हाँ जी, कोई डाउट हो बताइए इसमें, किसी को भी कोई भी डाउट हो बताइए। चलिए चलिए, तो मान लेते हैं कोई डाउट नहीं किसी को भी, रेस्पॉन्स देते जाइए दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बात और दिमाग में आती है, एक बात और दिमाग में आती है कि सर एक चीज आप सोचो, आपने अभी अभी कहा है, आपने अभी अभी कहा है कि इसको हटा देते, ये सारा हटा देते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब अभी अभी सर आपने ये कहा कि यहाँ पे जब मेंबर एक्सपांड होगा, ये जब वॉल्यूम, ये सॉलिड जो होता है वो पेस्ट में कन्वर्ट होगा तो एक्सपांड होगा। चलो एक्सपांड हो गया, मान लिया हमने, एक्सपांड हो गया मान लिया हमने, लेकिन लेकिन अरे रुक तो जाओ मिश्रा जी, मिश्रा जी उसी चीज पे आ रहा हूं मैं। लेकिन सर एक चीज सोचो कि जब यहाँ पे ये मेल्ट वाला पोर्शन है, ये मेल्ट वाला पोर्शन है आपका, यहाँ पे मेटल जो है एक्सपांड हुआ है, यहाँ पे मेटल एक्सपांड हुआ है और इसी जगह हमने वेल्ड कर दिया, इसी जगह हमने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, ये वेल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वेल्ड भी जो था वो मेल्ट में है, वेल्ड भी मेल्ट में है और मेटल भी मेल्ट में है, मेटल भी क्या है, मेटल भी क्या है, वो मेल्ट में है। सर इसको तो सडन कूल कर देते हैं, सडन कूल करते हैं तो क्या होगा, बाहर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर हार्ड हो जाएगी, बाहर वाली लेयर हार्ड हो जाएगी और अंदर वाला पार्ट अभी भी पेस्ट फॉर्म में होगा, अंदर वाला पार्ट किसमें होगा, पेस्ट फॉर्म में होगा। तो वो क्या करेगा, वो हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डेवलप कर देगा, रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप कर देगा। समझ रहे हो कि भाई आपने वेल्ड किया, वेल्ड का जो पोर्शन होगा वो ये मान लो ये वाला वेल्ड है, ये वाला वेल्ड आपने सडन कूल कर दिया तो बाहर वाली लेयर हार्ड होगी, अंदर वाला अभी भी पेस्ट फॉर्म में है। मिश्रा जी आप ही का डाउट है ये, तो अंदर वाला पेस्ट फॉर्म है तो क्या होगा, अब जैसे जैसे कूल होगा तो वेल्ड को अंदर खींचने की कोशिश करेगा, वेल्ड को अंदर खींचने की कोशिश करेगा तो भाई इस वाले पोर्शन ने तो मेंबर के साथ बॉन्ड बना रखा है, इस वाले पोर्शन ने मेंबर के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो जब मेंबर के साथ बॉन्ड बना रखा है तो वो तो वापस आने नहीं देगा, आने नहीं देगा। तो यहाँ पे इस वेल्ड के अंदर क्या हो जाएगी, इस वेल्ड में रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाएगी, क्या हो जाएगी, रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाएगी, हाँ या ना, इसमें रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाएगी। तो कोड ये कहता है कि भाई अरे ये रेजिडुअल स्ट्रेस आ जाएगी, इसको कैसे इफेक्ट करोगे, तो कोड ये कहता है कि यार कितनी सी तो वेल्ड की साइज है, कितनी तो वेल्ड की साइज है, आप वेल्ड का साइज देते हो 8 mm, 5 mm, 6 mm, 4 mm का, कितना रेजिडुअल स्ट्रेस होगा, नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, थिकनेस बहुत कम है वेल्ड का, नेग्लेक्ट कर देंगे उसको हम। मिश्रा जी, मिश्रा जी सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, तो यही तुम्हारे अजम्पशन है। तो हम मान क्या रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो भी चेंजेज हो रहा था वो सारा हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सिंपल सा पॉइंट हमने ये बोला, सिंपल सा पॉइंट हमने बोला कि भाई जो फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से वेल्ड जो मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है वो कितना स्ट्रेस ले पा रहा है, वही चीज बची है, बाकी सारा हमने नेग्लेक्ट कर दिया या आइडियल बना दिया। ये अजम्पशंस हैं तुम्हारे जो तुम्हें इसमें ध्यान रखने होते हैं, ये अजम्पशन है जो तुम्हें क्या रखने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं अजम्पशन लिख देता हूँ, अजम्पशन नंबर 1, आई होप कि अब तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहला अजम्पशन लिखेंगे, द वेल्स कनेक्टिंग, द वेल्स कनेक्टिंग the various parts are homogeneous, isotropic and elastic element,
यानी कि हम लोग किसी को भी जहाँ पे चेंजेस हो रहा है बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, सारा सेम मटेरियल लेके चल रहे हैं। दूसरा दूसरा अजम्पशन, द पार्ट्स कनेक्टेड बाय वेल्ड, द पार्ट्स कनेक्टेड बाय वेल्ड, कनेक्टेड बाय वेल्ड आर रिजिड। जब हमने रिजिड बोल दिया तो डिफॉर्मेशन जो होगा उसको हम क्या बोल देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, आर रिजिड। सो दैट डिफॉर्मेशन, सो दैट डिफॉर्मेशंस आर नेगलेक्टेड, आर नेगलेक्टेड। डिफॉर्मेशन हम क्या बोल रहे हैं, नेगलेक्ट मान रहे हैं, डिफॉर्मेशन हम क्या बोल रहे हैं, नेगलेक्ट मान रहे हैं। तीसरा तीसरा जंक्शन, ओनली स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड आर, एक्सटर्नल लोड आर कंसिडर्ड, आर कंसिडर्ड इन डिजाइन, इन डिजाइन। डिजाइन में हम लोग ओनली एक्सटर्नल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही है उसी को कंसिडर करेंगे, बाकी द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस, द इफेक्ट ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस, रेजिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एंड एंड शेप ऑफ वेल्ड, शेप ऑफ वेल्ड, शेप ऑफ वेल्ड आर नेग्लेक्टेड, आर नेग्लेक्टेड। यानी कि ये जितने भी पैरामीटर हो रहे थे उनको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। कोई डाउट हो तो बताइए इसमें किसी को भी, एनीवन एनीवन। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। तो जो अजम्पशन हमने लिखे हैं उसके बारे में क्लियरली आपको पहले दिमाग के अंदर बैठा है कि क्या हम लिखने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको जो है दिमाग में बैठ गई होगी। रेस्पॉन्स देते रहो दोस्तों, रेस्पॉन्स जहां कम होगा वहां फिर बात बिगड़ जाती, वहां मजा नहीं आता फिर। चलिए चलिए चलिए, ओके जी, ओके ओके ओके। एक विक्कू यादव को समझ में आया, बाकी किसी को क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हुआ सबको। चलो चलो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये अजम्पशन हो गए, ये अजम्पशन हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा मैं अनअकैडमी ऐप के बारे में और मेरे बारे में बता देता हूँ जो लोग नए हैं उनको। दिस इज ऑल अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ बाबूलाल जांगिड। अभी आप सबको नाम पता लग गया होगा, आई एम फैकल्टी फॉर गेट एंड ESC, मेरा एमटेक IIT मद्रास से है, 6+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जनरली मैं स्टील स्ट्रक्चर, RCC, TOS, SOM, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट जो है मैं कवर करता हूँ गेट और ESC सब्जेक्ट के लिए। अनअकैडमी प्लस के लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है और आपको सिस्टमेटिक मैनर में टाइमली कोर्स कंप्लीट करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके ऐसी रैंक, अच्छी रैंक के साथ, तब प्लस पे आइए। जहाँ पे आने के लिए आपको BL20 कोड यूज करना है, इस कोड को दिमाग में रखिए, BL20। प्लस के ऊपर डेली लाइव क्लासेस होता है, क्रेश कोर्स होता है, ठीक है, और रैंक इंप्रूवमेंट बेस ऑलरेडी डिजाइन है, बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग सेशन, हर चौथा क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए रखा गया है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो पॉइंट दिए गए, जो सिखाए गए। वीकली टेस्ट होता है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अनअकैडमी ऐप ज्वाइन, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, डाउनलोड एन अकेडमी एप एंड चूज योर गोल, गेट एंड ESC, क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पे समझदारी आपको दिखानी है, बेवकूफी मत दिखाइएगा, सबसे बेस्ट प्लान आपके लिए ये है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ESC 2021 का तैयारी करना चाह रहे हैं, 2021 का, जिसका आपको पता लग गया होगा कि इसका प्री जो होना है वो जुलाई में होना है, इसका प्री जुलाई में होना है, ठीक है ना, जुलाई में होना है। तो जुलाई के लिए आपको अगर एक साल का प्लान सोच रहे हैं या 6 महीने का प्लान सोच रहे हैं तो ये तो सारे बेकार, ये तो लेना ही नहीं है। लेकिन लेकिन आप अगर 2 साल का प्लान लेते हैं तो ही आप लोग ESC प्री का, ESC का पूरा तैयारी कर सकते हैं, पूरा तैयारी कर सकते हैं। इसका जुलाई के अंदर प्री होगा 2021 में,
इसका मेंस जो होगा वो 2021 के अंदर होगा दिसंबर में, इसका इंटरव्यू जो होना है 2022 अप्रैल या मार्च में होना है, अप्रैल या मार्च में होना 2022 तक। तो अगर आप जो है 6 महीने का या 3 महीने का लेते हैं तो ये कोई फायदा नहीं देगा। ये आप लोग अगर 2 साल का प्लान लेते हैं जिसका फीस 30,000 रखा है इन्होंने, ठीक है, और अगर आप BL20 कोड यूज करते हैं, BL20 अगर आप कोड यूज करते हैं तो ये आपका 10% डिस्काउंट होकर 27,000 हो जाएगा। इसके बेनिफिट देखिए क्या है, एक तो आप ESC का पूरा तैयारी कर सकते हैं, प्री के दोनों पेपर, पेपर वन और पेपर टू, जहाँ पे पेपर वन के टोटल 10 सब्जेक्ट है नॉन टेक वाले, पूरा हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है इसके अंदर। पेपर टू टेक्निकल पूरा होगा प्री और मेन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज अलग से कहीं ज्वाइन नहीं करना है, इसी के अंदर आपको ज्वाइन क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको अलग से कुछ जाना नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया ESC के लिए। दूसरा जो फायदा होगा वो होगा गेट का, आप गेट जो है 2 बार अपियर कर सकते हैं, 2021 के लिए भी और 2022 के लिए भी सेम फीस के अंदर। तो ये समझदारी से काम लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होना इसमें, बहुत फायदा होना इसमें, ठीक है ना। तो 2 ईयर का सेकेंड ईयर का प्लान ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको अगर इसके अंदर आगे मोडो पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी है, EMI ऑप्शन से अवेलेबल है, और ये 1 ईयर को लेके शो किया गया, दैट इज द BL20 कोड यूज करना आपको। फेसबुक चैनल है, दैट इज द फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहें सर्च द नेम बाबूलाल जांगिड, और आपको आप मुझसे वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज अ टेलीग्राम लिंक, जो यहाँ पे हम लोग क्लासेस के अंदर जो भी मैटर देते हैं वो सारा इस चैनल पे अवेलेबल होगा स्टडी मटेरियल के तौर पे। दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स जो आपको सब्सक्राइब करने हैं, लाइक करने हैं, और इस चैनल पे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, राइट। कल के लिए मैं बता दूं, अनअकैडमी गेट सीई चैनल पे कल के लिए 12 से 3 o'clock डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, 12 से 3 PM डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर होगा। तो मैं चाहता हूँ सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, आस्क योर फ्रेंड टू ज्वाइन, द क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विद प्रैक्टिकल अप्रोच, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास। सो ये जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कोई भी हो, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक जो है रिंग बेल पे क्लिक करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विल मीट Tomorrow 12 to 3 PM विशाल गुप्ता, can I ask question from out of box? Of course you can यार, of course you can। सर आप RCC कब पढ़ाओगे? RCC अभी मेरे बाद में जो है अभी 9:15 से क्षितिज सर पढ़ा रहे हैं, तो you can join there, हम लोग भी एक बार वापस पढ़ाएंगे, सब लोग जो है वो इसको दोबारा कराया जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी एसएससी जेई के लिए आपको जो है अनअकैडमी एसएससी जेई क्या है, ये अनअकैडमी एसएससी जेई के लिए चैनल बनाया गया है, जहाँ पे SSC JEE लेवल तक का मैटर दिया जाता है, यहाँ पे गेट और ESC लेवल का मैटर होता है, ठीक है। अमन कुमार, क्या है इन प्लेन कनेक्शन और आउट ऑफ प्लेन कनेक्शन में कौन बेहतर है, फिजिक्स और मैथ्स में से कौन बेहतर है? अमन, फिजिक्स और मैथ्स में से कौन बेहतर है? अमन दोनों अपनी अपनी जगह बेटर हैं, दोनों को रिलेवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट? प्लास्टिक क्या? अच्छा, फिजिक्स बेटर है, वाह मेरे दोस्त, यानी कि तुम बिना मैथ्स के फिजिक्स कर सकते हो, हैं जी, क्या बात करते हो यार अमन। इन प्लेन का अपना एक नेचर है, अपना एक फोर्स ट्रांसफर करने का तरीका है, आउट ऑफ प्लेन का अपना एक नेचर है, अपना फोर्स ट्रांसफर करने का तरीका है, दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं और अलग अलग सिनेरियो में होता है। थैंक यू, थैंक यू।
हेलो रेणुका जी, चलिए क्लास को एंड करते हैं। कल 12 से 3 सबको ज्वाइन करना है। थैंक यू।